अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं राशिद अली यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो का ये पार्ट टू है। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी इस कोस्टर की। ये टोयोटा कोस्टर है, टोयोटा कोस्टर 29 सीटर है ये। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इस कोस्टर के बारे में मुकम्मल रिव्यू देता हूँ। पहली वीडियो में कुछ मैंने इसके फ्यूचर के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं इस गाड़ी के आपको अंदर से भी सारा यानी कि बताऊंगा कि ये कितने गियर है इसमें, कितने यानी कि ये एसीसी है। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये आप इसकी लुक देख सकते हैं। तो ये हमने एक स्कूल है हमारा फुका स्कूल बरए खसूसी अफराद, ये स्कूल में हमें जापान ने डोनेशन की थी जी। ये इसका अंदर से इंटीरियर है, ये आप देख सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही इसे वॉश किया। ये इसका डैशबोर्ड है, ये इसके अंदर एलसीडी लगाई है हमने बैक कैमरे के लिए, इसमें जैन मन नहीं आती। तो ये हमने अपने से खुद से यानी कि इसको लगवाया। ये इसके हीटर के हैं, जैसे सिंपली कार में या अक्सर गाड़ियों में आपने देखा होगा होते हैं। ये इसका सिगरेट वैक्यूम है और ये भी इसका एसी का टेम्परेचर है, और ये एसी को ऑन ऑफ करने के लिए, इसको जितना तेज़ करना है जितना स्लो करना है आप इसको इससे इधर कर सकते हैं। और ये आप इसके मीटर में देख सकते हैं। सिंपली अगर मैं इसकी आपको स्विच ऑन करके दिखाऊं तो आपको शो हो जाएगी सारी इसकी लैंप्स लाइट, वो फ्यूल की चेक लाइट, सीट बेल्ट, बैटरी, हैंड ब्रेक। ये भी हमारी गाड़ी इसको हो गए हैं कोई 3-3.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी ये 7,402 किलोमीटर ही चली है। इतनी हमारी यूजिंग नहीं है इस गाड़ी पे, इसलिए हमारे यानी कि इसका ना इतनी इसकी माइलेज नहीं है। अच्छा, ये इसका ये आप देख सकते हैं सिंपली जैसे कार में होती है, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक और ये क्लच है, ठीक है। ये इसका गियर है, इसमें भी यानी कि 5 गियर फॉरवर्ड हैं और 1 रिवर्स है। ये अगर मैं आपको क्लच दबा के आपको गियर लगा के दिखा देता हूँ, ये न्यूट्रल है, ठीक है। इसका जो रिवर्स गियर है ना, जहाँ गाड़ी का पहला लगता है ना, इसका जो सा वहाँ पे रिवर्स लगता है, ये इसका रिवर्स हो गया। रिवर्स गियर लगते साथ ही वो आप देख सकते हैं पीछे स्क्रीन पे कैमरा ऑन हो गया है। ये हमने कैमरा खुद से यानी कि परचेज करके लगवाया है, इसमें कैमरा और एलसीडी नहीं आई, वो ये सिंपली आई थी, ये हमने खुद से परचेज करके लगवाया है। ये इसको यहाँ पर रखेंगे ये रिवर्स लग जाएगा, ठीक है। ये न्यूट्रल करके ये जहाँ पर गाड़ी का रिवर्स लगता ना, इसका पहला लगेगा, ये पहला लग गया। इसी के ऊपर ये दूसरा, और फिर इसके नीचे तीसरा, इसी तरह ऊपर चौथा और नीचे पांचवा, ठीक है। ये 4C टोयोटा कोस्टर है, 4C यानी कि 42 कह लें या 4200 सीसी कह लें, यही इसमें आती है 4C। 29 सीटर है ये, ये आप पीछे से भी देख सकते हैं, इसमें 29 सीट्स हैं विद ड्राइवर। ये इन्होंने यानी के राइट पे सिंगल दी हुई है और लेफ्ट पे डबल, 29 सीटर, हर सीट बेल्ट के साथ यानी के हर सीट के साथ सीट बेल्ट है, ये आप देख सकते हैं। हर सीट के साथ, हर सीट के साथ उन्होंने सीट बेल्ट दिया हुआ है, एस्ट्रे दी हुई है, और ये साथ फोल्डिंग सीटें भी हैं। ये भी सब हमने इसकी ये पोशिश वगैरह, ये नीचे ये आप देख सकते हैं अच्छे किस्म की मैट्रेस यानी के लगवाए थे हमने। ये पर्दे भी हमने खुद से लगवाए हैं इसमें, और ये बिल्कुल सादी सिंपल आती है, ये आप देख सकते हैं। ये पर्दे भी हमने खुद से लगवाए हैं, स्टेशन पे हैं जुवेद पोशिश वाले, ये उनसे लगवाए हैं। ये सिलेंडर बोतल है, ठीक है, ये भी इसमें नहीं आती, ये भी हमने खुद से लगवाई है। ये पासिंग वगैरह करवाने के लिए लेके जाएं गाड़ी तो ये इसमें होनी चाहिए,
और अब आ जाएं आप, ये मैं आपको दिखा दूँ, इसकी जो हैंड ब्रेक होती है ना, हैंड ब्रेक वो होती है आपके राइट साइड पे, ठीक है। इस बटन को आप पुश करेंगे, ठीक है, ये हैंड ब्रेक नीचे हो जाएगी, जैसे इसके ऊपर खींचेंगे ये ऊपर हो जाएगी। सिंपली जिस तरह कार के अंदर होते हैं उसी तरीके से इसकी ये लाइटें हैं, पार्किंग लाइट, ड्यू लाइट, ये इंडिकेटर, सॉरी इंडिकेटर इधर है, ये इंडिकेटर वो देखने आप शो हो रहे हैं, जिस तरह इसको इधर करेंगे इधर ऊपर शो होंगे। सिंपल उसी तरह इसकी हेडलाइट्स हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। तो इंशाल्लाह मैं आपको इस कोस्टर के हवाले से, एक हमारे पास ये सामने गाड़ी है ग्रैंड कैबन, इसके हवाले से मैं आपको वीडियोस बना के अपलोड करता रहूँगा। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद है राशिद अली, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नेक्स्ट मेरी वीडियो आने तक आप वेट करें। थैंक यू।